राकेश, 19 बैच एमबीए स्टूडेंट फ्रॉम जीएनएमसी ग्वालियर। सो इस वीडियो में हम बॉयज़ हॉस्टल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जीएनएमसी में टोटल दो बॉयज़ हॉस्टल हैं, जो हैं सीनियर बॉयज़ हॉस्टल जहाँ पर मैं रहता हूँ, और दूसरा है रविशंकर हॉस्टल। सीनियर बॉयज़ हॉस्टल में टोटल दो ब्लॉक्स हैं जो कि तीन फ्लोर में डिवाइड किए गए हैं। सीनियर बॉयज़ हॉस्टल में टोटल 180 रूम्स हैं। रविशंकर हॉस्टल के बारे में मुझे कन्फर्म तो नहीं पता, बट वहाँ भी अराउंड 80-100 रूम्स तो होंगे। सीनियर बॉयज़ हॉस्टल में टोटल तीन मैसे हैं जिनका चार्ज अराउंड 2000 रुपीज़ पर मंथ है, और वहाँ के खाने की क्वालिटी बिलो एवरेज आप कह सकते हैं, खाना उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर एक रूम पर दो लोग रहते हैं जो कि वारी करता है, क्योंकि कई कई रूम पर तीन तीन लोग भी रहते हैं। जो हॉस्टल की फ़ी है वो 12,000 रुपये है एक साल की, जो कि आपको ऑनलाइन पे करना होता है। अब बात यह है कि आप हॉस्टल आएँ कैसे। सो यहाँ पर ऐसा कुछ हॉस्टल का फॉर्म नहीं होता कि आपको हॉस्टल का फॉर्म भरना है और आपका हॉस्टल में एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर आप जब भी काउंसलिंग करवाने आए, आप सीधे हॉस्टल आ सकते हैं, जिस हॉस्टल में भी आपको रहना हो, चाहे वो रविशंकर हॉस्टल हो सकता है, चाहे वो सीनियर बॉयज़ हॉस्टल हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको सीनियर बॉयज़ हॉस्टल में रहना है, तो आप सीनियर बॉयज़ हॉस्टल आ सकते हैं, या किसी सीनियर से मिल सकते हैं, सीनियर को कह सकते हैं कि सर मुझे यहाँ रहना है, आगे की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो आपकी सीनियर करवा देगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर बच्चों को साथ में ही रखा जाता है ताकि उनके बीच इंटरेक्शन अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर मैंने एक हॉस्टल का टूर वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर पहले वो देख लें, फिर हम मिलते हैं। दिस इज़ द मेन हॉस्टल बिल्डिंग। This is the first entry gate of the hostel, just in front of the college. This is the view which you will get when you enter from this gate. Let me show you the parking area. So this is the main parking area. And students also park their bikes in front of the building. So yeah. And this is the second entry gate to the hostel. So this is the mess area. This is the ground floor of the first block. And there is the second block. This is the first floor of the first block. This bridge connects first block to the second block. This is the second block.
सो दिस इज द टेरेस एरिया, यहाँ पर टोटल दो टेरेस हैं, एक टेरेस वो है जो फर्स्ट ब्लॉक पे, दिस इज द सेकंड टेरेस। फर्स्ट टेरेस से आपको फ्रंट व्यू मिलता है, यू कैन सी द हॉस्पिटल बिल्डिंग फ्रॉम हियर। सेकेंड टेरेस से आपको ग्राउंड का व्यू मिलता है, तो आप लोगों ने अभी तक तो हॉस्टल टूर का वीडियो देख लिया होगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो यार बहुत पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो आपके लिए खुशखबरी कह सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये चेंज होने वाली है। यहाँ पर कैंपस में नए हॉस्टल्स बन चुके हैं जो कि बहुत ही जल्द चालू हो जाएंगे, आपके आते तक तो हो ही जाएंगे, तो आपको ये पुराने हॉस्टल्स में नहीं रहना पड़ेगा, नए हॉस्टल्स मिलने वाले हैं जो कि अराउंड दिवाली के आसपास मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग नए हॉस्टल्स में ही रहेंगे जो जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जहाँ के रूम्स बहुत अच्छे हैं और वहाँ हर रूम्स में बालकनी भी है, तो यार दैट्स अ प्लस पॉइंट। सो इस हॉस्टल के बारे में इतना ही था जो मैं बता सकता था, अगर मैं कुछ चीज़ भूला हूँगा तो शायद मैं अगले वीडियोज़ में कवर कर लूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ और जानना है हॉस्टल के बारे में तो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।